दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर करण कुंद्रा, निशांत भट्ट और उमर रियाज के साथ जमकर मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीन देखने में वाकई काफी फनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कल वीकेंड का वार एपिसोड है, यानी कि किसी न किसी कंटेस्टेंट का कल घर से बेघर होना बिल्कुल तय है। इसीलिए दोस्तों तीनों को ये लग रहा है कि कहीं हम तीनों में से कोई एक घर से बेघर ना हो जाए। हालांकि करण कुंद्रा नॉमिनेटेड नहीं है, लेकिन निशांत भट्ट और उमर रियाज नॉमिनेटेड है, जिसके चलते उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ये दिन उनका घर के अंदर आखिरी दिन ना हो। इसीलिए दोस्तों जब घर के अंदर चाय बन रही थी तो उस दौरान निशांत भट्ट ने कहा कि हो सकता है कि आज करण के हाथ से हमें आखिरी चाय पीने का मौका मिले, तो वहीं दूसरी ओर उमर रियाज ने कहा कि हाँ भाई, हो सकता है कि मुझे भी साफ सफाई करने का घर के अंदर आखिरी मौका मिले और आज ही के दिन केवल मैं साफ सफाई कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर करण कुंद्रा ने उमर रियाज को पहले तो ये कहा था कि तू यार मेरी कटिंग तो बना दे, लेकिन इसके बाद करण ने अपना प्लान चेंज कर दिया और कहा कि चल कोई बात नहीं, तो दो दिन बाद मेरी कटिंग बना देना, अभी वीकेंड का वार है इसलिए रहने दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उमर ने मस्ती करते हुए करण को कहा कि भाई तुझे अगर जो कुछ भी बनवाना है मुझसे आज ही बनवा ले, पता नहीं कल क्या हो। ये सुनकर पहले तो करण कुछ समझे नहीं, लेकिन बाद में करण के दिमाग में ये ख्याल आया कि हाँ भाई, कल किसी का एविक्शन हो सकता है और हो सकता है कि उमर भी घर से बेघर हो जाए। इसलिए दोस्तों करण ने कहा कि भाई तेरे को मौका मिले तब मुझे बना देना। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद में निशांत भट्ट ने कहा कि अब हमें घर के अंदर टिकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अगर हम इस वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान घर के अंदर बच जाते हैं तो फिर हम घर के अंदर हिंसा करेंगे और एक दूसरे को उठा उठा कर फेंकेंगे, क्योंकि करण ने तो अपने पहले दो लाइफलाइन यूज कर ली है और प्रतीक को उठा उठा के फेंका है और अभी तक हम तो बिल्कुल प्योर है, यानी कि हमने कुछ भी गुनाह नहीं किया है। ये सुनने के बाद दोस्तों तीनों कंटेस्टेंट बुरी तरीके से हंस पड़े। कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में घर के अंदर माहौल वाकई काफी खुशनुमा हो रखा है और सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ काफी जमकर मस्ती मजाक कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको इन तीनों की ये मस्ती मजाक कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि आप भी करण और उमर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।